असलम डेयर स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा आज हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बेस करती है हाइड्रोकार्बन्स पर हाइड्रोकार्बन्स कैसे पेरेंट कंपाउंड्स कंसीडर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ हाइड्रोकार्बन्स वो केमिकल कंपाउंड्स जो कंपोज होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पर तीन ऑर्गेनिक फैमिलीज यानी तीन होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स कहलाती हैं अल्कीन अलकीन एंड अल्काइन। नेचर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं या वो खुद हाइड्रोकार्बन हैं, या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं इसलिए हम कहते है, हैं हाइड्रोकार्बन्स तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट कंपाउंड्स हैं यानी हाइड्रोकार्बन पेरेंट कंपाउंड हैं और बाकी ऑर्गेनिक फैमिलीज बाकी होमोलोगस सीरीज डेरिवेटिव हैं हाइड्रोकार्बन के माय डियर स्टूडेंट्स हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन हम किन केमिकल कंपाउंड्स को बोलते हैं मैं ड्रा कर रहा हूं स्ट्रक्चर एक अल्केन मॉलिक्यूल का जिसका नेम है इथेन यू कैन ऑब्जर्व इथेन में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन तो हम कहेंगे इथेन इज ए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है इट्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जस्ट 0.4 है जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो अल्केन मॉलिक्यूल जैसे इथेन है ये या तो नॉन पोलर है या स्लाइटली सपोलर है तो को हम पैराफी इसलिए भी बोलते हैं कि ये लेस रिएक्टिव हैं और लेस रिएक्टिव होने की रीजन बॉन्ड्स की नॉन पोलैरिटी या बॉन्ड्स का स्लाइटली पोलर होना इन द सेम वे मैं बात करूं अल्कीन की या अल्काइन की तो वो भी कंपोज होते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है अलके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जबकि अल्कीन और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिडर होते हैं है। सैचुरेशन मीन है। सै। सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेशन मीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड अभी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिवेटिव हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन का एक एच अगर मैं रिप्लेस कर दूं विद अदर एटम और विद अदर ग्रुप ऑफ एटम्स तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा अल्कीन का हाइड्रोकार्बन का इस वे से एस्टेब्लिश होती हैं अदर ऑर्गेनिक फैमिलीज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड करते हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है सिंस हाइड्रोकार्बन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर तो डेफिनेटली ये डिजोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे ईथर है जैसे कार्बन टैड्रा क्लोराइड है जैसे कार्बन डाइसल्फाइट है अलके नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर इनके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट, डेंसिटी या फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है इनके मॉलिक्यूलर मैस पे जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इंटरमोलिक्युलर फोर्सिस की स्ट्रेंथ बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाता है डेंसिटी बढ़ जाती है और फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है फर्स्ट फोर यानी मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसेस हैं कार्बन फाइव टू कार्बन सेवनटीन लिक्विड्स हैं एंड कार्बन एटीन टू ऑनवर्ड वैक्सी सॉलिड हैं तो यहां से हमने कंक्लूजन ये ड्रा किया, किया कि जैसे जैसे अलकेन मॉलिक्यूल का मालिकुलर मैस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटर फोर्सेस स्ट्रेंथ ही होंगी और वैसे वैसे फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी गैस से लिक्विड और लिक्विड से फर्दर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स के नेचर में सोर्सेस हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी फोसल फ्यूल से हमें मिलते हैं अलकेचरेटेड हाइड्रोकार्बंस माई डेयर स्टूडेंट्स जब हम फोसल फ्यूल कहते हैं ना तो इसका मीन है कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम तीनों को कोलेक्टिवली बोला जाता है फोसल फ्यूल और फोसल फ्यूल इनर्जी सोर्स है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हम यूज करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे वो बनते हैं फोसल फ्यूल से यानी अल्किन से पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वीड किलर्स फर्टिलाइजर्स ये सब हमें हासिल होते हैं हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है फोसल फ्यूल से और एक और इंपॉर्टेंट बात आफ्टर सन नेचर का सबसे बड़ा इनर्जी सोर्स फोसल फ्यूल है हम सिंपली यू कह सकते हैं कि इस अर्थ में सूरज के बाद इनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स फोसल फ्यूल से और फोसल फ्यूल हमारे पास सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का और हाइड्रोकार्बन्स हम डोमेस्टिक लेवल पे भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं हाइड्रोकार्बन से अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले बात करते हैं ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइड होते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दूसरे हैं क्लोज चेन या साइकिल हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइड होते हैं नॉन बेनजॉइट ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें टर्मिनल कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती यानी कार्बन फर्स्ट और कार्बन लास्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की दो एन एनब्यूटेन एंड आइजोब्यूटेन एनब्यूटेन सट्रेट चेन ओपन हाइड्रोकार्बन है जबकि आइजोब्यूटीन ब्रांच फॉर्म में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रक्चर देखें एनब्यूटेन का तो एनब्यूटेन में चार कार्बन एटम प्रेजेंट है और चारों इन सीरीज कनेक्ट हैं वन टू तो अनदर हम बात करें आइजोब्यूटेन की तो आइजोब्यूटेन में बी टोटल चार कार्बन एटम है मगर कार्बन टू के साथ साइड पे भी एक कार्बन एटम अटैच है तो हम यूं कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सेपरेट चेन फॉर्म में भी पॉसिबल है ब्रांच्ड चेन फॉर्म में भी पॉसिबल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन के सराउंड में फोर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और इसकी टिपिकल एग्जांपल हमने ली है इथेन आप देख सकते हो इथेन में टोटल दो कार्बन है और हर कार्बन के सराउंड में चार सिंगल बॉन्ड है और बेसिकली अल्केन फैमिली पेराफीन सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हर कार्बन के सराउंड में चार सिंगल बॉन्ड्स होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है और यहां पे दो ऑर्गेनिक फैमिलीज फॉल करती हैं अलकी एंड अलकाइंस ल्की में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है जैसे इथीन में और अल्काइन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है जैसा इन इथाइन यह आपके सामने इथीन का हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है हम बात करें इथाइन की तो यहां कार्बन कार्बन के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड होता है इथीन बिलोंग्स टू अल्किन फैमिली एंड इथाइन बिलोंग्स टू अल्काइन फैमिली और दोनों में डिफरेंस किस चीज का है मल्टीपल बॉन्ड की नेचर का यानी अलकीन में कार्बन कार्बन के दरम्यान डबल बॉन्ड अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड और अलकीन और अल्काइन कोलेक्टिवली कहलाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेकंड क्लास की और वो हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ये वो हाइड्रोकार्बन हैं जहां रिंग ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है यानी टर्मिनल कार्बन आपस में लिंक होती हैं यूनाइट होती हैं फ्री नहीं होती बेंजीन नेफ्थालीन न साइक्लोब्यूटेन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स जिस तरह एलिफेटिक फर्दर डिवाइड होते थे सेचुरेटेड और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसी वजह से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी फर्दर डिवाइड होते हैं बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन में बेनजाइड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है जब हम कहते हैं बेंजीन रिंग है, तो इसका मीन है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यू कैन ऑब्जर्व डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेशन है डबल और सिंगल बॉन्ड्स की और मालिक्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड ये बेंजोइड कंपाउंड नेफ्थलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजोइड कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है मगर ये एरोमेटिक नहीं है ये बेंजोइड नहीं है इसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड कंपाउंड इन द सेम वे सम के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है जैसे हम बात कर रहे हैं थायोफीन की या रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है अदर देन कार्बन तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और जो एटम मौजूद है कार्बन के अलावा इसे कहते हैं हेट्रो एटम माय डेयर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन अल्केन अल्कीन और अल्काइन फैमिलीज को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रेपरेशन मेथड्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल रिएक्शंस तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों ने इस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है नोट डाउन करना है इस लेक्चर को अपनी नोटबुक पे तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज